तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है आपको भारतीय खेल रत्न पुरस्कार से ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य रहेंगे। तो सो डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहले मैं आपको सब्जेक्टली बताऊंगा, फिर इससे रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए मैं इसको जो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं मैं वो पहले देख लेता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज जो है पहले मैं देख लेता हूँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत में खेल क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में जो है खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है, वह है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसे और इसका स्थापना जो है 1991-92 ईस्वी को हुआ था। तो ये पॉइंट्स को याद रखें कि इसका स्थापना जो है 1991-92 को हुआ था। इसका थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो है खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात खिलाड़ी जो है पिछले 4 वर्षों में कैसा प्रदर्शन किया है, उसके उत्कृष्ट अच्छे प्रदर्शन के लिए जो है यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रहें कि अर्जुन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रदान किया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सर्वप्रथम जो है भारत में शतरंज के ग्रैंड मास्टर, नाम तो सुने होंगे, विश्वनाथन आनंद को यह प्रदान किया गया था सर्वप्रथम 1991-92 ईस्वी को। तो ये 4 पॉइंट्स को याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में जो है कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 में जो है 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। तो जिसमें से है पहला खिलाड़ी है आपका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस तरह से जो है रोहित शर्मा 4थे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले जो है सर्वप्रथम आपको यानी कि सॉरी सर्वप्रथम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला था। उसके बाद जो है आपको यहाँ MS धोनी को मिले थे, उसके बाद विराट कोहली को, और 4थे में जो है रोहित शर्मा को प्रदान किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है मनिका बत्रा को जो है प्रदान किया गया है, जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है ये। उसके बाद यहाँ से मरियप्पन थंगुवेलु को दिया हुआ है, जो कि एक पैरा एथलीट हाई जंपर है। उसके बाद यहाँ से आपका विनेश फोगाट को दिया गया है, जो कि रेसलिंग से संबंधित है यह। और रानी रामपाल जो है प्रदान किया गया है इसको, जो कि महिला हॉकी से संबंधित है। तो याद रखें कि रोहित शर्मा को प्रदान किया गया है, मनिका बत्रा को प्रदान किया गया है, और मरियप्पन थंगुवेलु को प्रदान किया गया है, और विनेश फोगाट को और रानी रामपाल को प्रदान किया गया है। और ये सभी तो आपको मैं दिखा चुका हूँ। चलिए हम इससे रिलेटेड इतना ही पॉइंट्स को मैं बताता हूँ। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखें, उसके बाद हम इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इसका स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था अर्जुन पुरस्कार का। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार जो है 2020 में जो है 27 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। तो चलिए इन 27 खिलाड़ियों का हम नाम देख लेते हैं। तो यहाँ से आप 27 खिलाड़ियों का नाम देख सकते हैं कि पहला है अतानु दास, जो कि एक तीरंदाजी खिलाड़ी है। दूसरा है दूति चंद, जो कि एक एथलेटिक्स है। तीसरा है आपका सवित कसाई राज रेंकी रेड्डी, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, और चिराग शेट्टी, ये भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। उसके बाद यहाँ से पांचवा है विशेष भृगुवंशी, जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी है। और छठा है आपका मनीष कौशिक, और सातवां है लवलीना
बोरगोहेन, जो कि ये दोनों जो है मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और थर्ड है आपका ईशांत शर्मा, जो कि क्रिकेटर है एक। मैं इसमें जो है जो भी रेड कलर से मैं इंडिकेट किया हूँ वो चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि इसमें तो आप 2700 का तो नाम याद रख नहीं सकते हैं, तो जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको याद रखें। आप ये कि यहाँ से इसको भी याद रख सकते हैं, ये जो है आपका सेकेंड में दूती चंद, एक एथलेटिक्स से रिलेटेड है, ये भी काफ़ी मशहूर एथलेटिक्स है, तो इसका भी नाम आप याद रखें। और यहाँ से ईशांत शर्मा का भी नाम आप याद रखें। नौवां है आपका दीप्ति शर्मा, जो कि क्रिकेट से ही संबंधित है। और दसवां है अजय आनंद सावंत, जो कि एक घुड़सवारी है। और ग्यारहवां है संदेश झिंगन, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी है। और बारहवां है आपका अदिति अशोक, जो कि एक गोल्फ़ खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं तेरहवां, तो तेरहवां है आपका आकाशदीप सिंह। आकाशदीप सिंह जो है हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ से दीपिका जो है एक हॉकी खिलाड़ी है, आकाशदीप सिंह और दीपिका जो है हॉकी खिलाड़ी है। उसके बाद यहाँ से दीपक जो है कबड्डी खिलाड़ी है। उसके बाद यहाँ से सरिका सुधाकर काले खो खो खिलाड़ी से संबंधित हैं। और 17 जो है वह है दत्तू भवन भोकानल, जो कि एक रोइंग खिलाड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 18 मनु भाकर और सौरभ चौधरी, ये दोनों जो है आपका निशानेबाजी से संबंधित हैं। तो याद रखें ये कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं और जिसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर दिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है 20 आपका मधुरिका सुहास पाटकर, जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। और यहाँ से आप नेक्स्ट देख सकते हैं 21 आपका है दिविज शरण, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है। और 22 है शिवा केसवन, जो कि एक ल्यूज है खिलाड़ी है। 23 है आपका दिव्या काकरान, जो कि एक कुश्ती खिलाड़ी है। 24 है आपका राहुल अवारे, कुश्ती से हैं रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका सुयन नारायण यादव, यह एक पैरा तैराकी है। और नेक्स्ट है 26 संदीप, जो कि है पैरा के एथलेटिक है। और लास्ट है आपका मनीष नरवाल, जो कि पैरा एक निशानेबाजी है। तो इन 2700 का मैंने नाम बता दिया, बट इसमें से आपको 2700 का नाम याद नहीं रखना है। इसमें जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया हूँ उनको आप याद रखें, जैसा कि यहाँ से सेकेंड में आप याद रखें कि दूती चंद एक एथलेटिक्स था और ईशांत शर्मा क्रिकेटर, और यहाँ से दत्तू भवन भोकानल रोइंग, और मनु भाकर और सौरभ चंद्री निशानेबाजी। इतना ही खिलाड़ी को आप नाम याद रखें जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड इतना ही पॉइंट्स है, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार जो है, नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं पॉइंट्स। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है, यह खिलाड़ियों को नहीं प्रदान किया जाता है। यह जो है खिलाड़ियों का जो कोच होता है कोच को प्रदान किया जाता है यह। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 2020 में जो है लाइफ टाइम की श्रेणी में 8 कोचों को प्रदान किया गया है, और नियमित श्रेणी में 5 कोचों को प्रदान किया गया है। याद रखें लाइफ टाइम की श्रेणी में 8 कोचों को और नियमित श्रेणी में 5 कोचों को प्रदान किया गया है। तो इन 5ों का मैं नाम बता देता हूँ, दोनों श्रेणी में जो जो मिला है। तो यहाँ से आपका नियमित श्रेणी में यानी रेगुलर कैटेगरी में जो मिला है, फर्स्ट है आपका जूड फेलिक्स हॉकी का है यह कोच। उसके बाद है सेकेंड आपका योगेश मालवी, जो कि मलखम्ब है। और जसपाल राणा, जो कि एक निशानेबाजी है। ये थर्ड जो है निशानेबाजी का जो है जसपाल राणा कोच, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको याद रखें थर्ड नंबर। बाकी आप यदि सभी को याद रखते हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ से चौथा है आपका कुलदीप कुमार हंडू, जो कि वुशु का है। और गौरव खन्ना, जो कि पैरा बैडमिंटन का कोच है। तो इन पांचों कोच को जो है नियमित श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो इन 5ों का नाम याद रखना है आपको।
उसके बाद लाइफ टाइम की श्रेणी में जो मिला है मैं उसको बता देता हूँ। तो लाइफ टाइम की श्रेणी में जो है टोटल 8 कोचों को प्रदान किया गया है। जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम की श्रेणी में 8 कोचों को प्रदान किया गया है। पहला है आपका धर्मेंद्र तिवारी, जो कि एक तीरंदाजी का कोच है। उसके बाद यहाँ से सेकंड है आपका पुरुषोत्तम राय, जो कि एक व्यायाम यानी एक्सरसाइज का है कोच। उसके बाद थर्ड है आपका श्री शिव सिंह, जो कि एक मुक्केबाजी का कोच है। और नेक्स्ट है चौथा श्री रमेश पठानिया, जो कि एक हॉकी का कोच है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ से श्री कृष्ण कुमार टुड्डू, टुड्डा बोल सकते हैं, यह कबड्डी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है आपका श्री विजय भालचंद्र मुनेश्वर पावर, जो कि एक पावर लिफ्टिंग का कोच है। सॉरी, भुवनेश्वर के साथ हम पावर को ऐड कर दिए हैं, पावर लिफ्टिंग से है। उसके बाद यहाँ से आपका श्री नरेश कुमार जो है टेनिस का है। और उसके बाद यहाँ से आपका लास्ट जो है श्री ओम प्रकाश दाहिया या कुश्ती से है। तो आप इसमें से जो है इम्पोर्टेंट, मेरी दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप 1 को याद रखें, उसके बाद 6, 7, 8 को याद रखें, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में आ सकता है। तो लाइफ टाइम की श्रेणी के श्रेणी में जो है 8 कोचों को प्रदान किया गया है। इन 8 कोचों को आप नाम याद रख सकते हैं। और रेगुलेट यानी कि रेगुलर कैटेगरी में जो है इन 5 कोचों को जो है प्रदान किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। और इसका स्थापना जो है 2002 ईस्वी में किया गया था। और मेजर ध्यानचंद जो है 2020 में जो है 15 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है यह। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 15 को मैं यहाँ पे नाम दिखा रहा हूँ। पहला है कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, और सेकंड है आपका जिंसी फिलिप्स, जो कि एक एथलेटिक्स ही है। तीसरा है आपका प्रदीप गंधे, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ से चौथा है आपका तृप्ति मुरगुंडे, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। और पाँचवा है एन उषा, और छठा है आपका लखा सिंह, जो कि इन दोनों जो है मुक्केबाजी से रिलेटेड है। सातवां है सुखविंदर सिंह संधु, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है। उसके बाद यहाँ से आपका आठवां है अजीत सिंह, जो कि हॉकी है से रिलेटेड है। और नौवां है मनप्रीत सिंह, जो कि एक कबड्डी से रिलेटेड है। दसवां है जे रंजीत कुमार, जो कि एक पैरा एथलीट है। और यहाँ से सत्य प्रकाश तिवारी 11 में जो है यह पैरा बैडमिंटन से है। और 12 में है मनजीत सिंह रोइंग। और 13 है सचिन नाग, जो कि एक तैराकी है। एकमात्र खिलाड़ी है 15 खिलाड़ियों में जिसे जो है मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 में नंदन पाल, जो कि एक टेनिस से है रिलेटेड। और 15 में है नेत्र पाल हुड्डा, जो कि एक कुश्ती से रिलेटेड है। तो इन 15 खिलाड़ियों का नाम याद रखें। और मेंस जो है वह सचिन नाग, क्योंकि इसे मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा, इसीलिए आप इसका नाम जो है याद रखें। तो ये थे मेजर ध्यानचंद अवार्ड से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और आप यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और इसका PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे ब्लॉग जो है www.adspm81.blogspot.com में जाकर भी इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इससे रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो पहला है कि निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है द्युति चंद, बी है शांत शर्मा, सी है रोहित शर्मा, डी है साक्षी मलिक। तो फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। इससे पहले भी मैं सब्जेक्ट लिस्ट में बता चुका हूँ कि रोहित शर्मा जो है चौथे क्रिकेटर है जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को प्रदान किया जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991-92 ईस्वी में हुआ था, इसलिए सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1991-92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर है आपका, निम्न में से किस पैरा एथलीट हाई जंपर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है मनिका बत्रा, बी है मणियप्पन थंगवेलु, सी है रिंकू टड्डा और डी है दीपा मल्लिक। तो थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणियप्पन थंगवेलु। पैरा एथलीट हाई जंपर जो है मणियप्पन थंगवेलु है, जिसे जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर क्वेश्चन है आपका, मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, बी है रेसलिंग, सी है हॉकी, डी है एथलेटिक्स। तो फोर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस। मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से रिलेटेड है। मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूँ चूँकि आपको टाइम देता हूँ, उस टाइम पे आप अपने आंसर चूज करें, तो इससे आपको एनालाइज होगा कि हाँ आप कितने जो है सब्जेक्टली को ध्यानपूर्वक देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर, रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला कितनवें क्रिकेटर है? तो रोहित शर्मा जो है ऑप्शन ए है चौथे, बी है पांचवें, सी है तीसरा, डी है दसवीं। तो फाइव का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चौथे, रोहित शर्मा जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला चौथा क्रिकेटर खिलाड़ी है। यहाँ से आप ध्यान दें, यहाँ से आपका जो है क्रिकेटर पूछा गया है। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसे मिला, तो विश्वनाथन आनंद को मिला था, बट यहाँ पे क्रिकेटर बोला है, तो क्रिकेटर में हो जाएगा आपका चौथा खिलाड़ी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना ऑप्शन ए है 1961, बी है 1951, सी है 1991, डी है 2002। तो सिक्स का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1961। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर, दत्तू बबन भोकनल को इनमें से कौन सा पुरस्कार 2020 में जो है प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है गुरु द्रोणाचार्य, बी है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सी है अर्जुन पुरस्कार, डी है ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो सेवन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्जुन पुरस्कार। दत्तू बवन भोकनाल को जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर, निम्न में से किसे 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ऑप्शन ए है जसप्रीत सिंह, बी है सचिन नाग, सी है जसपाल राणा, डी है उपरोक्त सभी। तो एट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जसपाल राणा। 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से जो है जसपाल राणा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2002, बी है 1991, सी है 1961, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार का जो है स्थापना जो है 2002 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 किसे प्रदान किया गया, यानी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, बी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सी है चेन्नई यूनिवर्सिटी, डी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को प्रदान की जाने वाली राशि बढ़ाकर कितना कर दी गई है? पहले जो है अर्जुन पुरस्कार में
कितना दी जाती थी, अब उसके बाद जो है कितना बढ़ाकर कर दिया गया है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे बताना है कि कितना बढ़ाकर कर दिया गया है। ऑप्शन ए है 15 लाख, बी है 20 लाख, सी है 25 लाख और डी है 7.5 लाख। तो यहाँ से 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार को राशि को जो है बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। यहाँ से जो मैंने चारों जो पुरस्कार बताया हूँ इन चारों का जो है राशि बढ़ा दिया गया है, जो कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि जो है पहले थी 7.5 लाख, उसके बाद जो है अभी जो है बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, वर्तमान में जो राशि प्रदान किया गया है वो है वर्तमान राशि, नई राशि जो प्रदान किया गया है वो है। उसके बाद सेकंड है आपका अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार पहले 5 लाख रुपये दिए जाते थे, अब दिया जाता है 15 लाख रुपये। थर्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी पहले 5 लाख दिया जाता था, बट अब जो है 10 लाख रुपये दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में। नेक्स्ट है आपका ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार में भी पहले 5 लाख दिया जाता था, बट अब जो है 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो आप ये याद रखें कि वर्तमान राशि कितनी दी जाती है, नई राशि कितनी दी जाती है। तो यहाँ से आप याद रखें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है 25 लाख हुआ है, अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार का 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार का 10 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, याद रखें आप इसे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन थे। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन ए है कि विराट कोहली, बी है गीता शेट्टी, सी है विश्वनाथन आनंद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज का ग्रैंड मास्टर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त, बी है 12 अक्टूबर, सी है 19 जनवरी और डी यहाँ पे है 29 अगस्त। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, भारत में प्रदान की जाने वाली सबसे बड़ी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बी है ध्यानचंद पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार, सी है ध्यानचंद पुरस्कार, डी है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर, यानी कि प्रथम कौन क्रिकेटर था जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर के बाद जो है MS धोनी को प्रदान किया गया था, उसके बाद विराट कोहली को और वर्तमान में 2020 में जो है रोहित शर्मा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर है मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2020 किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए है मंजीत सिंह जो रोइंग से है, बी है सचिन नाग जो कि एक तैराकी है और सी है आपका नंदन पाल और डी है नेत्रपाल हुड्डा। तो यहाँ से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मरणोपरांत जो है, मैं आपको वहाँ भी सब्जेक्ट लिए में बताया था कि सचिन नाग को प्रदान किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसे मरणोपरांत दिया जा रहा है, बाकी सभी को तो लाइफ में दिया जा रहा है, जीवित है। तो याद रखें कि मरणोपरांत जो है सचिन नाग को दिया जाता है, जो कि एक तैराकी से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1946 से 1957, बी है 1991 से 92, सी है 1961 से 62,
डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताया, ये सारे टॉपिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, और इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय, स्टडी कीजिए, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।